इलाहाबाद प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने किया। वर्ष 2022-23 में होने वाले योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। आज के इस पंचायत समिति की बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, हसनैन आलम, महेंद्र महतो, देवचंद्र यादव, मालती देवी समेत पूरे प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य मौके पर मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के संबंधित चर्चा की गई, साथ ही साथ 2022-23 में होने वाले योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि अधूरे कार्य को जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। आज पंचायत समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। मैं जिला एवं राज्य से निर्देश था कि आबाद एवं अनाबाद में अपना पंचायत समिति मेंबर या कमेटी योजना को प्रस्ताव में पारित करके इसको भेजा। इसी के तहत आज मीटिंग किया गया है। अब पूरे प्रखंड क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की योजना है, जिसमें 1 करोड़ आबाद और 1 करोड़ अनाबाद योजनाओं माननीय सदस्यों के द्वारा लेकर इसे प्रस्ताव पारित किया गया है। 2 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव पारित पंचायत समिति की बैठक रखी गई, क्या आश्वासन बताएंगे थोड़ा? या आज पंचायत समिति की बैठक आज की गई थी, जिसमें 2022-23 के लिए आबाद और अनाबाद से 1 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है, और उसको हम लोग इसके बाद 2022-23 की जीडीपी में चढ़ाने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में इन योजनाओं का निर्माण कार्य जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।